Bye.
के भीतर प्रकट हो गए। और ऐसे नहीं प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? तमदभूतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदारयुधायुधम। इस अद्भुत बालक को देखा, कैसे बालक पैदा हुआ? तम अद्भुतम, तम अद्भुतम, अद्भुत बालक। अब शंका हुई कि अद्भुत क्यों? समाधान, बच्चे पैदा होते हैं दो हाथ वाले, और यह ये कैसे पैदा हुए? चार हाथ वाले, तो अद्भुत हुआ ना। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, परंतु यह तो कमल जैसी आंख वाला है। बालक नंगा पैदा होता है, लेकिन भगवान तो पीतांबर पहने हुए प्रकट हुए पैदा हुए। और बालक निहत्था पैदा होता है तो महाराज, पर ये तो शंख चक्र गदा और पद्म लिए खड़ा है। वसुदेव जी ने कहा, भगवान मैंने आपको पहचान लिया, आप
साक्षात परम पुरुष नारायण है। प्रभु आप साक्षात आनंद स्वरूप हैं। देवकी मैया डर रही हैं। भगवान ने कहा माता अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, जब मैं छोटा सा बालक बन जाऊं ना, छोटा सा बालक बन जाऊं तो मुझे टोकरी में डालकर ले जाना। नंद बाबा के महल में एक कन्या होगी, उसको ले आना और मुझे वहां छोड़ देना। बोलिए गोविंद भगवान की। और परंतु भगवान देवता लोग आनंद मना रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं, तो हम लोग आप लोग भी अब भगवान का स्वागत करेंगे। उससे पहले 2 मिनट का उद्बोधन पंडित जी करेंगे आपके सामने, क्योंकि सभी लोग फिर उठ जाते हैं, फिर किसी प्रकार का कोई उद्बोधन सुनते नहीं हैं। तो 2 मिनट के लिए सभी शांति से सुनेंगे, फिर हम भगवान का स्वागत करेंगे और आज की कथा को विराम देंगे। बोले भगवान की, बोले बाल कृष्ण भगवान की। देखिए भगवान का जन्म हुआ है तो खुशी नहीं लगता किसी को, ये खुशी से जय बोलिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, अब खुशी हुई है सबको, बहुत बहुत बधाई जन्म की। तो कल मैंने क्या बोला था, जब भगवान का जन्म होगा तो आपने शरण के रूप में गौ माता के मुख कुछ न कुछ हाथ पर जरूर करना है। हमारे विप्रगण अरुण जी, प्रीत जी, रिंकू जी, ये सभी आपके पास झोली लेकर आएंगे, उसमें मुट्ठी बंद करके जो भी आप शरण के रूप में डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और जिस कल मैंने ये भी बोला था, जिसका जितना प्यार है वो उतना ही शगल उठाता है, जितना जितना स्नेह दिल्ली की होती है। अब आपने ये देखना है भगवान के साथ आपका कितना स्नेह है। हमारे पंडित जी मिंद्रपा जी जरा चोड़ी ले आओ सारे, और सभी ने उसमें दान डालना है, क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने गौओं का दान किया, लेकिन गौ माता के लिए दान मांग रहे हैं। और बावन अवतार हुआ तो बलि ने भूमि दान की, हमने भी गौ माता के लिए भूमि खरीदी है, 4.5 कनाल भूमि हमने 60 लाख की खरीदी है, उसकी भी पेमेंट अभी थोड़ी बाकी है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी होगी, उसके लिए भी दान की आवश्यकता है। हम लोग मांगते रहते हैं, शर्माते नहीं, क्योंकि हम परहित के लिए मांगते हैं। कहते मांगू तो मर जाऊं, जो अपने लिए मैं मांगूं तो मर जाऊं, मांगू तो मर जाऊं, मोहे मांगे ना आए लाज, परहित के कारण मोहे मांगे ना आए लाज। अपने हित के लिए मांगू तो मेरे लाज आए, लेकिन परहित के लिए हम मांगते हैं। इसलिए सभी ने दिल खोल कर उस झोली में दान डालना है, स्वागत होगा भगवान का, उसके बाद बधाई भी होगी, सभी ने बधाई के रूप में भेंट जो देनी है। और सब लोग जाके भी सबकी हाजी लगाएंगे, सब ने नाच कर झूम कर हाजी लगानी। आज समय है जन्म का, 2-4 मिनट के लिए विलंब भी हो जाए तो उसके लिए पहले ही क्षमा हम मांगते हैं। अब हमारे झोली लेकर सबके पास हम लोग आ रहे हैं, उसमें अपनी श्रद्धा और समर्थन के साथ सबने दान डालना है और कथा निरंतर ऐसे ही चलती रही यही। और हमारे पम्मी ये ढोलक मास्टर ढोलक की थाप पर सबको नचाएंगे भी, उनसे भी निवेदन है कि ढोलक लेकर अगर आए आज खुशी के अवसर सर सबको नचाएंगे। पम्मी भाई ले जो जरा बाल कृष्ण भगवान की। आइए भगवान के स्वागत में सभी खड़े होकर भगवान का स्वागत करें और हमारे साथ कुछ क्षणों के लिए, ज्यादा नहीं 5-7-10 मिनट के लिए, यह आनंद का विषय है। आज भगवान का प्राकट्य हुआ है। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा।
कैसे हम कर रहे हैं, ऐसे स्वागत नहीं करते। जब घर में बालक होता है ना और डीजे लगता है तो कैसे उस बालक का स्वागत किया जाता है। दोनों हाथ को उठा कर जरा आगे गए कैसे बधाई बज रही है। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, जहां लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
जितने भी बूढ़े थे वो भी जवान हो गए। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, जैसा ही व्यास जी का निर्देश उसी के अनुसार आप सबको बहुत बहुत इस उत्सव की बधाई। और कल के लिए जो सूचना है,
कल को गोवर्धन पूजा होगी और ठाकुर जी को छप्पन भोग लगेगा, उसमें जो भी अपने घर से कोई भोग के रूप में बनाकर लाना चाहता है लेके आ सकता है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाना है। उस दिन कल को अपने रसोई में किसी लहसुन प्याज अखाद्य वस्तु की कोई भी बर्तन नहीं करने का, भोग लाना चाहते हो तो जो भी 500 रुपए की हमारे लक्ष्मी नारायण पंडित जी बधाई के रूप में भेंट किया है, गौ माता के प्रभाव कृपा है, बहुत अनन्य सेवक हैं गौ माता के। और अब आगे का जो कार्यक्रम आरती महाराज जी आरती होगी और उसके बाद सबको रोज की तरह प्रसाद का वितरण किया जाएगा। सभी लाइन में आकर 500 रुपए की धनराशि हमारे गुप्ता जी की ओर से जन्म उत्सव की विधायक के रूप में भेंट की गई है। और भी बहुत सारे सज्जनों की ओर से गौत्रा पुत्र रूप में दान आया है, जिन्होंने झोली में डाल दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं डाला वो डाल देंगे तो कल को फिर आपके पास झोली लेकर आएंगे बधाई के रूप में, पहले ही घुमाएंगे झोली, सभी ने बधाई के रूप में डालना है। और अब आरती होगी, उसके बाद सभी प्रेम और शांति से भोजन ग्रहण करके जाएंगे। और बहुत सारे दानी सज्जनों के लिए तूड़ी के लिए भी जो हमने कल अनाउंसमेंट की थी बहुत सी धनराशि आई है, उसकी अनाउंसमेंट कल करेंगे क्योंकि आज समय ज़्यादा हो चुका है। अब आरती होगी, उसके बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण करके जाना है। जय जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत Oh, God.
दूसरे व्यासशील उनके साथ वाद्य यंत्रों पर उनकी संगति कर रहे हैं सभी उनका परिकर और आई हुई जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं, नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।